हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की क्लास में 24 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन पर भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर फॉर एक्सलेंस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाना है? तो ये आपका मेघालय। इसका डिटेल देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और कौशल विकास उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने घोषणा किया कि ऑनलाइन गेमिंग का भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र मार्च 2023 तक शिलोंग मेघालय में स्थापित किया जाएगा। सीईओ की स्थापना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के माध्यम से डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब के तहत की जाएगी। एसटीपीआई मेटी के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक स्वायत्त समाज है। मेघालय की बात करें, इसकी स्थापना 1970 में हुआ है। शिलांग इसकी राजधानी है। कॉन्रेड संगमा इसके मुख्यमंत्री हैं। एक सदनी विधानसभा सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें राज्यसभा सीटें यहाँ पे एक हैं, लोकसभा सीटें दो हैं यहाँ पे। किस राज्य सरकार ने दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू किया है? तो ये किया राजस्थान की सरकार ने। राजस्थान सरकार ने राइट टू साइट के उद्देश्य से दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए नीति लागू किया है। राज्य के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अंधेपन की रोकथाम के लिए नीति दस्तावेज जारी किया। नीति के तहत राजस्थान सरकार सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य रूप से कैराटोप्लास्टी सेंटर और आई बैंक चलाएगी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा हैं। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटें 200, राज्यसभा सीटें यहाँ पे 10, लोकसभा सीटें 25 हैं। तिरुवल्लुवर किस भाषा के प्रसिद्ध कवि रहे हैं? तो ये यहाँ पे तमिल के। तिरुवल्लुवर एक प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक हैं, जिन्हें तिरुक्कुरा के लेखक के रूप में जाना जाता है, जो नैतिकता, राजनीति और अर्थशास्त्र और प्रेम पर दोहों का संग्रह है। तिरुवल्लुवर दिवस तमिलनाडु में पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में मनाया जाता है। तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पशु कल्याण के लिए घोषित 20 करोड़ रुपए की योजना वल्लर पलूर कम्बागल का शुभारंभ किया है। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय मार्ग प्लेटफॉर्म चलाता तेज चलाता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलियंस एंड ग्रोथ। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जोन स्टार्टअप इंडिया के सहयोग से मार्ग मेंटर मास्टर क्लास का आयोजन किया है। ये जो होता है आपका नेशनल मेंटरशिप प्रोग्राम, देश भर में स्टार्टअप के लिए मेंटरशिप की सुविधा के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। शान जुनसेंग जो हाल ही में खबरों में थी, कौन से खेल खेलते हैं? तो ये बैडमिंटन हो जाएंगे। तो 17 वर्षीय शान जनचेंग ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मुख्य ड्राइकल मैच जीतने वाले पहले पुरुष चीनी खिलाड़ी बन के इतिहास रच दिया है। चीन ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल करने के अलावा 4 कोशिशों में अपनी पहली टूर स्तरीय जीत हासिल भी की है इसमें। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो किया है ऑल्स अलर्ट। इसका डिटेल देखते हैं। सीमा सुरक्षा बल ने गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा को कड़ी करने के लिए सरकरी से लेकर गुजरात के कच्छ के रण और राजस्थान के बाड़मेर जिले तक भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 1 सप्ताह का अभ्यास ऑल्स अलर्ट शुरू किया है। भारत 26 जनवरी 2023 को अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। यह अभ्यास 21 जनवरी को शुरू हुआ और 27 जनवरी 2023 को समाप्त होगा। हाल ही में किस देश ने यानो मामी क्षेत्र में चिकित्सा आपातकाल की घोषणा की है? ये ब्राजील ने घोषणा किया हुआ है। सोने के अवैध खनन और कुपोषण जनित परिस्थितियों में पहली बीमारियों से बच्चों की मौत की खबरों के बाद चिकित्सा आपात स्थिति घोषित की गई है। इस घोषणा का उद्देश्य यानो मामी के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का निर्माण करना है। सरकार ने खाने के पैकेज की भी इसके लिए घोषणा किया हुआ है। यानो मामी वेनेजुएला की सीमा से लगा ब्राजील का सबसे बड़ा घरेलू आबादी वाला क्षेत्र है। यानो मामी दशकों से सोने का अवैध खनन करने वाले गिरोहों का शिकार रहा है। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया डॉक्टर प्रभा अत्रे को। हिंदुस्तानी गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे को पंडित हरिशंकर चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अत्रे ने प्रशस्ति पत्र और 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे इन्हें। वह किराना घराने की एक भारतीय शास्त्रीय गायिका है। भारत सरकार द्वारा तीनों पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 1991 में उन्हें संगीत नाटक अकेडमी से भी पुरस्कार इन्होंने जीता हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए चराई देव मोईदम से किस देश ने अपनी ओर नामांकित किया? तो ये किया भारत ने। इसका डिटेल देखते हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चराई देव मोईदम को भारत की ओर से नामांकित किया गया है। असम के चराई देव जिले में अहोम वंश का टीला दफन प्रणाली में मोईदम्स के साइट का यूनेस्को के लिए नामांकन किया गया है। मोईदम असम में ताई अहोमों का मध्यकालीन टीला दफन परंपरा को दर्शाता है, जो लगभग 600 वर्षों तक चला है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस राज्य में
इम्पेक्स 2023 मेगा अभ्यास शुरू किया तो यह आंध्र प्रदेश में। तो भारतीय नौसेना ने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में सेना और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास किया। सबसे बड़ा द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास इम्पेक्स 2023 17 से 22 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया। युद्ध, राष्ट्रीय आपदाओं और तटीय सुरक्षा प्रबंधन के दौरान भारतीय नौसेना और सेना की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए इस अभ्यास का आयोजन करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का करंट अफेयर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल जानकी हरिचंदन है, जगमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, विधानमंडल द्विसदनीय है, यहाँ पे 176 विधानसभा सीटें हैं, 26 विधान परिषद सीटें हैं और राज्यसभा सीटें 11, लोकसभा सीटें 25। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके से डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा और हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसका व्हाट्सएप नंबर है 9630828149। साथ में ही आप लोग अब प्ले स्टोर में जाके आदर्श IAS एकेडमी का आप लोग ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी टेस्ट सीरीज यहाँ पे लॉन्च कर दिए गए हैं, जिसमें MBA पटवारी का, SSC का, LIC का हो जाएगा। ठीक है, इन सब का आपका सीरेट के भी है, तो इन सब के आपके टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है और केवल 300 रुपये में है। डिटेल सॉल्यूशन साथ, चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा, फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे। तो ये सभी टेस्ट रहेंगे, आपको आप लोग को डाउनलोड करना है आदर्श IAS एकेडमी और वहाँ से डायरेक्ट टेस्ट परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।